गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8। तो इन अ क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव अ विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी माता ने उनको एक वाटर बॉटल दी जिसमें 5 लीटर पानी था। एंड विद्या कंज्यूम्ड 2/5। हियर 5। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। सो प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। बाकी का पानी प्रताप पी जाता है। 2/5 पार्ट वाटर विद्या पीती है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर डज डीड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पिया। सो फॉर फाइंड दिस, सो विद्या ड्रैंक वाटर इज इक्वल टू, तो विद्या ड्रैंक वाटर, यहाँ डीड है सो इसको पास्ट टेंस में लेके विद्या ड्रैंक वाटर इज इक्वल टू, सो 2/5 टोटल 5 लीटर का 2/5 पानी विद्या पीती है। सो वी कैन राइट हियर 5 × 2/5। सो यहाँ हम 5 × 2/5 लिखेंगे। बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 5 कट हो जाएगा। सो वी गेट 2 लीटर। सो फर्स्ट आंसर आएगा 2 लीटर्स। विद्या ड्रैंक वाटर, तो टोटल वाटर इज 5 लीटर्स एंड उसका 2/5 हिस्सा ये कंज्यूम करती है। तो 2/5 से मल्टीप्लाई करेगी, 5 इज कर, सो अवर आंसर इज विद्या ड्रैंक वाटर इज इक्वल 2 लीटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो टोटल यहाँ 2/5 वाटर है, तो टोटल वाटर कितना होगा 5। सो 5 पार्ट वाटर में से 2 पार्ट विद्या ने पिया, तो बाकी का कितना बचेगा 3 पार्ट ऑब्वियसली। तो वी कैन राइट हियर देयरफॉर प्रताप ड्रैंक वाटर इज इक्वल टू, टोटल पार्ट है 5, उसमें से 2 पार्ट विद्या ने पिया, मतलब टोटल 5 में से 2। सो वी गेट 5 − 2 = 3/5। तो 5 पार्ट में से 3 पार्ट, यू कैन सी हियर 5 पार्ट में से 2 पार्ट विद्या ने पिया, तो बाकी कितने पार्ट बचे 5 में से 2 माइनस करेंगे, टोटल पार्ट्स आर 5, सो 5 − 2 सो वी गेट 3, सो 3/5 पार्ट। सो व्हाट फ्रैक्शन, तो 3/5, सो 3/5 पार्ट ऑफ वाटर प्रताप ड्रैंक, अंडरस्टैंड। तो यहाँ हम लीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हमने फ्रैक्शन में फाइंड किया, तो यहाँ हम लीटर नहीं लिख सकते। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 2.3। सो दीज एग्जाम्पल्स आर सिमिलर ऑफ 2.2 की जैसे सिमिलर ही है। इसमें मैं आपको आधे एग्जाम्पल करवाऊंगा, आधे होमवर्क में दूंगा मैं। सो फर्स्ट वन इन एक्सरसाइज 2.3 फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3। सो 1/4 ऑफ 1/4, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। सो वी टेक 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1 × 1 = 1 डिवाइड बाई 4 × 4 = 16। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है सो अवर आंसर इज कम्प्लीट, तो हमको आगे कुछ इसका मिक्स फ्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर स्मॉल हो तभी हमको आगे फाइंड करना है, डिनोमिनेटर बड़ा हो तभी हमको कुछ नहीं करना है। एज इट इज़ 1 × 3 = 3, 4 × 5 = 20, सो 3/20 इज द आंसर। इन थर्ड नंबर, सो 1/4 × 4/3, तो 4/12 नहीं करना है बिकॉज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर हो तो हम उसको कट कर सकते हैं। तो 4 नीचे भी है, 4 ऊपर भी है, डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में, सो वी मस्ट कट 4। तो व्हाट इज अवर आंसर, 1/3 इज अवर आंसर। एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 2 जो इसमें दिया गया है, इसके जैसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपको होमवर्क में योर सेल आपको लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको खुद लिखना है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 के जैसे ही है सब एग्जाम्पल, सो ट्राई वेरी वेल। इसमें भी मैं एग्जाम्पल 2 और 3 में आपको 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो 2, 4, 6 और
7-8 एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो हियर इज 2/3 मल्टीप्लाई 2 × 2/3, सो 2/3 एज इट इज लिखेंगे। 2 × 2/3 का क्या होगा, जो 3 × 2 = 6 + 2, 3 ये दोनों का मल्टीप्लाई करते, 3 × 2 = 6 + 2 = 8/3, 3 × 2 = 6 + 2 = 8/3। तो नाउ वी कैन चेक, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर हो तो हम उसको कट कर सकते हैं, बट 3 के टेबल में 8 या 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, सो वी हैवंट एनी कॉमन फैक्टर्स, सो वी मल्टीप्लाई दिस नंबर, 2 × 8 = 16, 3 × 3 = 9। तो 9 डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, मैंने आगे भी ऐसा तो आपको सिखाया, 9 × 9, 9 × 2 = 18 बढ़ जाएगा, सो 9 × 9 + 7, सो आवर आंसर इज 1 × 7/9। एज इट इज थर्ड नंबर, कॉमन फैक्टर हो तो आपको कट करना है, वो याद रखना है, तो 8 × 4, तो 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, सो इसको हम लिखेंगे 3/8, 6 को लिख देंगे 2 × 3 और 4 को 2 × 2। आप डायरेक्ट भी ऐसे 2 × 2 = 2 × 3 कट कर सकते हो, या जिनको समझ में नहीं आया तो ऐसे 2 × 3 = 6 एंड 4 की जगह 2 × 2 लिख के भी कट कर सकते हैं, सो 2 × 2 इज कट, तो 3 × 3 = 9 / 8 × 2 = 16, 3 × 3 = 9 / 8 × 2 = 16, डिनोमिनेटर बड़ा है, सो वी गेट अवर आंसर एज इट इज नंबर 3। तो यू कैन सी हियर 3 के टेबल में 15 आ रहा है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो सो वी गेट 5 एंड नीचे है 8, सो 5/8 इज अवर फाइनल आंसर एज इट इज इन एग्जाम्पल नंबर 3। वी हैव 2/5 मल्टीप्लाई 5 × 1/4, तो 2/5 एज इट इज लिखेंगे, 5 × 1/4, तो 4 × 5 = 20 + 1, 21/4, सो 4 × 20 + 1, 21/4, यहाँ लिखेंगे 2 के टेबल में 4 आएगा, तो हाँ यहाँ हम कट कर सकते हैं, तो वी कैन कट हियर 2 × 2 = 4, सो वी गेट 21/5 × 10। तो ये आपको याद रखना है, कॉमन फैक्टर जब भी आए तब आपको कट करना भूलना नहीं है, तो 2 × 2 = 4, तो 21/10, 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 20 + 1, 21/10। एज इट इज इन एग्जाम्पल नंबर 3, 3/2 मल्टीप्लाई, इसको आगे कन्वर्ट करेंगे, 3 × 5 = 15 + 1, 16/3, 3 × 5 = 15 + 1, 16/3, तो यहाँ 3 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ हम कट करेंगे, 2 के टेबल में भी 16 आता है, तो वी कैन कट हियर ऑल्सो, 2 × 8 = 16, सो वी गेट 8। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, 3/2 एज इट इज लिखा मैंने, 3 × 5 = 15 + 1, 16/3 एज इट इज लिखा, यहाँ 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट हो गया, एज इट 2 के टेबल में 16, तो 2 × 16 कट हो गया। तो आपको याद रखना है, ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई हो तभी उड़ाना है, पर कई स्टूडेंट पास पास में ऐसे उड़ाते, ऐसे आपको नहीं उड़ाना है, सो ऊपर नीचे जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो तभी हमको ये कट करना है, यहाँ सिर्फ 8 बचा। एज इट इज नंबर 5, 5 × 3 = 15 + 2, 17/5 मल्टीप्लाई 4/7, 5 × 3 = 15 + 2, 17/5 मल्टीप्लाई 4/7, या 5 के टेबल में 17 या 7 के टेबल में कुछ भी नहीं है, तो 17 × 4 = 68/5, 7 = 35। नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल, तो 35 डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, 35 × 35, 35 × 70 बढ़ जाएगा, तो कितने बचे हो, 35 × 35, तो 35 में कितने ऐड करेंगे, तो 35 + 30 = 65, और 3 ऐड करेंगे मतलब 33 ऐड करेंगे, सो वी गेट 68। तो आपको ये याद रखना, 35 × 35, 35 में कितने ऐड करेंगे आएगा, तो 68 में से माइनस कर दे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो हियर इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा नंबर है, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को फाइंड करना पड़ेगा हमको, सो वी हैव अ फर्स्ट वन,
टू अपन सेवन ऑफ थ्री अपन फोर, टू अपन सेवन मल्टीप्लाई थ्री अपन फोर एंड सेकंड नंबर थ्री अपन फाइव मल्टीप्लाई फाइव अपन एट. सो टू टू जा फोर एंड सॉरी थ्री एज इट इज रहेगा, फाइव फाइव कट हो जाएगा. सो हियर वी गेट थ्री अपन सेवन टू जा फोर्टीन एज इट इज, यह थ्री अपन एट. सो हियर थ्री अपन फोर्टीन और यहाँ थ्री अपन एट. तो ऐसे एग्जाम्पल लास्ट ईयर सिक्स में मैंने आपको सिखाए थे, जब ऊपर के न्यूमिरेटर सेम जब हो, न्यूमिरेटर जब सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर जो स्मॉल है वो बिग नंबर होगा. कैसे? देखो ये तीन के फोर्टीन टुकड़े, तीन है तीन, तीन के चौदह टुकड़े और तीन के एट टुकड़े. समझो थ्री सेंटीमीटर है उसके फोर्टीन टुकड़े किए जाए और तीन सेंटीमीटर के एट टुकड़े किए जाए तो कौन से बड़े हो गए? ये ऑब्वियसली दिस इज. Therefore, we can write 3 upon 14 less than 3 upon 8. तो ऐसे मैंने 6 में भी आपको सिखाए थे, जब न्यूमरेटर जब सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल हो वो बिग नंबर होगा, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बिग हो वो बिग होगा. ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. इसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल सिखाए, उसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल है आपको खुद होमवर्क में करने हैं. इसमें भी 3 एग्जाम्पल के अलावा जितने एग्जाम्पल है आपको होमवर्क में करने हैं. इसमें भी सेकंड एग्जाम्पल है जो आपको होमवर्क में कंपलसरी करना है. तो बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट और एक्सरसाइज बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर में, इसीलिए मैं थोड़ा आपको होमवर्क ज़्यादा दे रहा हूँ. साथ साथ जितना मैं चला रहा हूँ उसके साथ साथ आपको वो एग्जाम्पल खुद करने होंगे. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे स्कूल टाइमिंग 9 to 11 में आप कभी भी मैसेज करके या मुझे पूछ सकते हो फ़ोन करके, पर वो आपको होमवर्क में ये कंपलसरी करना है. तो डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ओके, तो एग्जांपल फोर तक हमने आज ये फिनिश किया. देन उसके बाद में आएगा एग्जांपल फिफ्थ सिक्स सेवन एट जो कल हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.